ऐसी मूवी के बारे में बात करें जिसे अगर हम आज भी देखेंगे तो हमें उतना ही मजा आता है। गाइस आज हम रोबोट मूवी के बिहाइंड द सीन के बारे में बात करेंगे। जहां पर इस मूवी की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे सीन है जिसमें आप जरूर सोचेंगे कि कैसे रिकॉर्ड किया होगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले इस सीन के बिहाइंड द सीन के बारे में बात करेंगे जहां पर आपने मूवी की स्टार्टिंग में ये चीज देखा ही होगा कि चिट्ठी बिना टेक्स्ट के आपको दिखता होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि चिट्ठी का रोबोट कैसे अपने आप चल रहा था। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बता दूं कि इस रोबोट को कैसे चार या पांच लोगों ने मिलकर चलाया था। जैसे कि आप देख सकते हो चार ऐसे आदमी जिन्होंने ग्रीन और ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और उसके बाद कैसे लकड़ियों के हेल्प से इन्हें चलाए थे। जहां पर हम देख सकते हैं कि लकड़ियों को भी कैसे ग्रीन कपड़े के जरिए उसको चारों तरफ से ढका गया है। लेकिन क्यों किया गया ये तो आपने हमारे पिछले सारे वीडियोस को देख के समझ ही गए होंगे। पर अगर नहीं मानो तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एडिटिंग के जरिए काफी आसानी से किसी को हटा दिया जाए और इन सारे कैरेक्टर्स को आपने स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे क्रिएट किया गया है। तो हम बात करते हैं इस वाले सीन के बारे में जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि चिट्ठी रोबोट का मुंह को किस तरीके से हिलाते थे। जहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो चिट्ठी के जबड़े को हिलाने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था जिससे ये सीन काफी ज्यादा रियल लगे और पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद भी आया। अब ये वाले सीन के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पर आपको ये वाले सीन के बारे में तो पता ही होगा जब सना पहली बार चिट्ठी को अपने घर ले आती है तब आपने देखा ही होगा कि कैसे चिट्ठी अपने सर को निकाल के किस तरीके से दिखाता था। मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दूं इस वाले सीन को परफेक्टली शूट करने के लिए दो अलग अलग जरिए से इसे शूट किया गया था। जहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहला शॉट सना और उसके घर का दिखाया गया था और दूसरी वाली शॉट ग्रीन पर्दे के जरिए कैसे चिट्ठी का ये सर वाला रिमूवल दिखाया गया था। और उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हो कि कैसे एक आदमी अपने सिर पे एक ग्रीन पर्दा लगाया था और उसके बाद वीएफएक्स की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। इसी के जज बाद आपने देखा ही होगा जहाँ पर चिट्ठी ने सिम निकालने के बाद उससे बात कर रहा था इसे भी कहीं और शूट किया गया था और उसके बाद इस सिम के साथ इसे रिप्लेस कर दिया गया था। गाइस जैसे कि आपने मूवी में देखा था कि रजनीकांत दो कैरेक्टर को एक साथ प्ले कर रहे हैं तो इसीलिए ये करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। जैसे कि आपने मूवी में ये वाला सीन देखा ही होगा जहाँ पर रजनीकांत और चिट्ठी दोनों एक साथ कार में जाते हैं। अब आप इसका बिहाइंड द सीन देख ही सकते हो कि इसे कैसे क्रिएट किया गया था। जहाँ पर इसे शूट करने के लिए दो अलग अलग जगह से इसे शूट किया गया था। आप सबसे पहले देख ही सकते हो कि कार में कैसे ब्लू स्क्रीन को लगाया गया था और पहले सीन शूट किया गया था और दूसरे वाले में कैसे सना और चिट्ठी को दिखाकर दूसरे वाले सीन को भी शूट किया गया था। और इसी सीन में आपने ये देखा ही होगा कि जहाँ पर चिट्ठी ने अपने सीन को 360 डिग्री पीछे की तरफ मोड़ा था। जैसे कि हमने पहले वाले सीन के बारे में बात किया उसी तरीके से इस वाले सीन को भी बनाया गया था जहाँ पर रजनीकांत को एक अलग से सेट पे अपने डायलॉग्स बोलने थे और उसके बाद ग्रे स्क्रीन के जरिए इसे रिप्लेस कर दिया गया था। और उसके बाद एडिटर का काम क्या था, सारे सीन के ग्रे स्क्रीन को हटाना और एक फाइनल टच देना क्योंकि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि फाइनल टच इसका कैसा था। अब हम इस वाले सीन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर चिट्ठी एक नया लुक दिया गया था जहाँ पर उन्हें एक रबड़ का कॉस्ट्यूम पहनाया गया था। इस वाले सीन को आप शूट करते हुए रजनीकांत को देख सकते हो कि कैसे दो अलग अलग जगह पे जाकर इस सीन को शूट किया गया और इसी के साथ आप दोनों सीन को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। अब हम अगले वाले सीन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर रजनीकांत अपने एक मीटिंग में जाते हैं अपने नए आविष्कार को दिखाने के लिए यानी चिट्ठी को। इस वाले सीन में आपको ये वाला सीन याद ही होगा जहाँ पर प्रोफेसर नोरा ने रोबोट को गला लगाने का ऑर्डर दिया था और उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे इसका गला लगाया गया था। आप अपने स्क्रीन पे इस बिहाइंड द सीन को अच्छी तरह से कैसे क्रिएट किया गया था। आपको ये ट्रेन वाला एक्शन तो याद ही होगा जहाँ पर चिट्ठी ट्रेन के अंदर जाके मारपीट करता है और उसके साथ साथ बाहर ट्रेनों पे भी चलता है। ये वाला सीन पर्सनली बताऊं तो ये मेरा काफी ज्यादा फेवरेट सीन था। तो अभी हम इस वाले सीन के बिहाइंड द सीन को देखते हैं कि इसे कैसे क्रिएट किया गया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं इस वाले सीन को शूट करने के लिए एक डमी ट्रेन का और एक रियल ट्रेन का दोनों का इस्तेमाल किया गया था और इस सीन को शूट करने से पहले एक विजुअलाइजेशन को बनाया गया था जिससे इस सीन को शूट करने से पहले कैमरामैन को काफी ज्यादा आइडिया मिल सके कि इसे कैसे शूट करना है। ये वाला बिहाइंड द सीन उस समय का है जब सना का बैग पानी में फेंक जाता है और चिट्ठी ट्रेन से निकल के इस बैग को लेने जाता है। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि कैसे पहिए के जरिए ये ट्रेन के पटरियों पे कैसे आसानी से जा रहा था। इस वाले सीन को एक रियल पटरी पे शूट किया गया था जहाँ पर आप रजनीकांत को देख ही सकते हो कि उनके चारों तरफ कैसे रस्सियां बांधा गया था और उस रस्सी के जरिए धीरे धीरे आगे लेकर इस सीन को परफेक्ट बनाया गया था। इसी क्लिप में आप मूवी के डायरेक्टर शंकर को भी आप देख ही सकते हो कि कैसे वो डायरेक्शन दे रहे थे। अब ये वाला सीन उसी सीन के जस्ट बाद ही है जहाँ पर चिट्ठी पटरियों पे चलते रहता है और उसके सामने एक ट्रेन आ जाता है। आप अपने स्क्रीन पे ये देख ही सकते हो कि सबसे पहले बड़े कैमरे के हेल्प से ट्रेन के आने वाले सीक्वेंस को शूट किया गया था और उसके बाद सीजीआई के हेल्प से कैसे रजनीकांत को इससे रिप्लेस कर दिया गया था। और इस वाले सीन के बाद जब रजनीकांत ट्रेनों पे चढ़ जाते हैं इस सीन को एक रियल लोकेशन और एक रियल ट्रेन पे शूट किया गया था। अब आप ये वाले सीन को देखिए जहाँ पर सना का बैग लेकर कैसे चिट्ठी यानी कि रजनीकांत तेजी से ट्रेन की तरफ भाग रहे थे। आप देख ही सकते हो कि इसे कैसे ग्रीन पर्दे के जरिए शूट किया गया था और उसके बाद कैसे
ट्रेन वाले सीन में इसे रिप्लेस कर दिया गया था। आप अपने स्क्रीन पे आफ्टर और बिफोर दोनों सीन को देख ही सकते हो। इसी के बाद आपने ट्रेन में ये वाले सीन को तो देखा ही होगा, जहाँ पर चिट्ठी काफी ज्यादा गुंडों के साथ लड़ाई करता है। इस वाले सीन को शूट करने के लिए एक स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के जरिए पूरे के पूरे डमी ट्रेन को बनाया गया था। जहाँ पर आपने अगर हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेन वाले सीक्वेंस को कैसे शूट किया जाता है, और उसी तरीके से इस वाले सीन को भी शूट किया गया था। आप इन सारे बिहाइंड द सीन को अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। अब आप ये वाले सीन को देखिए, जहाँ पर चिट्ठी का बैटरी पूरी तरह लो हो जाता है और उसके बाद गुंडे उसे ट्रेन से उठाकर सीधा बाहर फेंक देते हैं। इस वाले सीन को आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और उसके साथ साथ आप इस वाले सीन को देखिए, जहाँ पर सना ट्रेन से चिट्ठी को कुछ इस तरीके से आवाज देती है। आपको मैं बता दूं, इस वाले सीन को शूट किया गया था एक रियल ट्रेन में, जहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि कैसे चलती ट्रेन में इसे शूट किया गया था। इस मूवी में आपने इस वाले सीन के बाद आपने ये चीज देखा ही होगा कि चिट्ठी कैसे भाग के आता है और ट्रेन पे कुछ इस तरीके से रोटेट करके अंदर आता है। इस वाले सीन को चारों तरफ ग्रीन पर्दे को लगाकर शूट किया गया था, जिसे एडिटिंग के जरिए आसानी से एकदम सेट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले सीन के बारे में, जहाँ पर चिट्ठी को एक बिजली का झटका लग जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे रजनीकांत उस रोबोट को अपने लैब में किस तरीके से देख रहे थे और उनके चारों तरफ कैसे कैमरे लगे हुए थे। और इस सीन को काफी ज्यादा रियल दिखाने के लिए रजनीकांत को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था और उस बॉक्स से सिर्फ उनका सर ही बाहर था, जिसे आप फाइनल टच देते हुए देख ही सकते हो कि इसे कैसे परफेक्ट बनाया गया था। यह वाला बिहाइंड द सीन पर्सनली मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसे ऐसे शूट किया गया था ये देख के तो मैं चौंक ही गया हूं। अब आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा, जहां पर आर्मी वाले सीक्वेंस के बाद कैसे रजनीकांत चिट्ठी पे गुस्सा हो जाते हैं और उस चिट्ठी को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इस वाले सीन को आप शूट करते हुए देख ही सकते हो कि कैसे कुलाड़ी से मारकर इसे इस तरीके से शूट किया गया था। और इसी वाले सीन के बाद डॉक्टर वसीकरण चिट्ठी के फेस पे काफी भारी मात्रा में केमिकल डाल देते हैं। इस वाले सीन को शूट करने के लिए काफी ज्यादा उनको मेकअप करना पड़ा था। आप देख ही सकते हो कि रजनीकांत का कैसे मेकअप हो रहा है बिल्कुल रोबोट की तरह उनको दिखाने के लिए। इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में ये चीज बताया था कि इस फिल्म में रजनीकांत के ऊपर मेकअप काफी ज्यादा किया गया था और मेकअप में काफी ज्यादा खर्चे को भी अफोर्ड किया गया था। अब आपने हाथ कटने वाला सीन तो देख ही लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका सर भी काटा गया था। अब आप इस सर कटने वाले सीन को देख ही सकते हो कि कैसे अलग अलग एंगल से इस सीन को शूट किया गया था। अब हम इस वीडियो के सबसे लास्ट वाले सीन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपने ये देखा होगा कि चिट्ठी कैसे सना को किडनैप करके लेके आते हैं और इस किडनैपिंग के जरिए किसी पुलिस वाले ने उनके आंख पे गोली मार दी थी। इस सीन को काफी ज्यादा रियल दिखाने के लिए पूरी टीम ने काफी ज्यादा मेहनत किया था। जहाँ पर आप रजनीकांत के मेकअप को देख ही सकते हो कि कैसे उनके एक आंख पे ग्रीन पर्दे को लगाया गया था और उसके बाद इस डमी रोबोट के आंखों से गोली निकालते हुए दिखाकर फाइनल सीन के साथ इसे रिप्लेस किया गया था। यह वाला बिहाइंड द सीन देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यह वाले सीन को जब मैंने शूट करते हुए देखा तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया था कि इनकी आंखों पे कैसे ग्रीन पर्दे को लगाया गया था। ये थे आज के रोबोट मूवी के बिहाइंड द सीन, जिसे आपने यहाँ तक देखा तो मुझे पूरा भरोसा है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप अपना एक लाइक देके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन में बताना।